नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले कक्षा दसवीं का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 12 है और यह 2 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है, तो आइए हम इसे आज भी पढ़ते हैं। जो गद्यांश क्या होता है, जिसको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात इसमें से आंसर को ढूंढेंगे, और वो आंसर ढूंढना हमारी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है, जो हम कितना रीडिंग स्किल हमारी अच्छी है, कितना हम किसी चीज को पढ़कर समझ पाते हैं, कितना हमारी भाषा पे कमांड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करते हैं। यानी भाषा एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, अपनी बातों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति हर तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचार भाव आदि को हम ग्रहण भी करते हैं। यदि इस प्रकार भाषा परिभाषा देना का ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे कि यह परिभाषा भाषा के कार्य पर तो प्रकाश डालती है, परंतु प्रकृति पर नहीं डालती है। इसमें यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है। बिल्कुल, भाषा कैसे जन्म लेती है इसका पता नहीं लगता, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चले तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा, मुख मुद्राएं आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते हैं। मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने के लिए ध्यान, ध्वनि संकेत और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? ध्वनि। आपको याद रखना, ये आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, राइट। उसके बाद हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है, जबकि ध्वनि शब्द से सामान्यतः उनके उच्चारित रूप का बोध होता है। यानी ध्वनि का उच्चारित, यानी हम जो उच्चारण करते हैं, ठीक है, प्रोनंसिएशन, और किंतु वर्ण शब्द को ध्वनि से उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का बोध होता है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्याख्या व्यवस्था को लिपि कहते हैं, और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपको पूछा जाएगा हिंदी भाषा किस लिपि की है, तो देवनागरी। वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द एवं शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। यानी अ हो गया, और फिर एक इसमें माल, ये वर्ण है, ये दो वर्ण मिलकर के ये शब्द बन गया शब्द, और जैसे राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, तो यह आपका वाक्य हो गया, ठीक है। तो इसी तरह ये वाक्य आपका बन जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में होती है, ठीक है, और शब्द एवं शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक प्रेरित करते हैं, राइट। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही खास इंपॉर्टेंट जो है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस सभी का एक एक करके आंसर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, उपयुक्त शब्दों में भाषा का परिभाषा। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी को अपने विचार, भाव या इच्छा द्वारा प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को आदि को ग्रहण करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। वर्ण आपस में मिलकर क्या बनते हैं? तब वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनते हैं। यहाँ पे आप शब्द लिखेंगे, ठीक है, ये शब्द लिखा हुआ है का निर्माण होता है। और लिपि किसे कहते हैं कि हिंदी भाषा के लिपि कौन होता है? ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि अभी अभी मैंने बताया देवनागरी की लिपि है। कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि। कौन सा इसका आप आंसर लिख लेंगे डियर स्टूडेंट? देवनागरी की लिपि है। और अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान कर सूची बनाए जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की है। जैसे कि टे टे कुछ बोलते हैं ना, का कौ, गुटर गू, काँव काँव, ये काँव काँव होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह का आपको जो है ना, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।